अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज फिज़िक्स 9th क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। लास्ट चैप्टर जो हमने स्टडी किया था वो था काइनेमेटिक्स, तो इनमें डिफरेंस क्या है इन दोनों नेम्स में। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स वो स्टडी है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन हम उसकी कॉज को स्टडी नहीं करते कि वो किस वजह से मूवमेंट हो रही है उस बॉडी में। ठीक है, यानी कि हम मोशन को स्टडी करते हैं बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। एंड सेकंड वन इज़ इन काइनेमेटिक्स मोशन ऑफ द बॉडी इज़ स्टडीज विदाउट द रेफरेंस ऑफ मास एंड फोर्स। ठीक है, एक तो हम उसकी कॉज को डिस्कस नहीं करते हैं, दूसरा उसको हम मास और फोर्स के रेफरेंस से भी डिस्कस नहीं करते हैं। सिंपल बस ये स्टडी होती है उसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें मूवमेंट हो रही है, उसमें हमने मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ये सारी टाइप्स। सेकेंड इज़ डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मकैनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इन विच वी स्टडी द कॉज ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। तो वो ब्रांच मकैनिक्स की, मकैनिक्स इज़ ऑलरेडी अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के एंड द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसकी कॉज को भी साथ ही स्टडी करते हैं कि जो इस बॉडी में मोशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है और किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है। इन डायनामिक्स मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ स्टडीड विद द रेफरेंस ऑफ मास एंड फोर्स। हम मास एंड फोर्स का रेफरेंस भी साथ लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उसमें किस टाइप की मोशन हो रही है और कितनी हो रही है, और फोर्स अगर उस पर अप्लाई करें हैं तो उसकी मोशन पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। नो वट इज़ फोर्स? ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा फोर्स, अगर हम अप्लाई करें किसी बॉडी पे, अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर और स्लोअर, स्टॉप, चेंज डायरेक्शन और चेंज साइज और शेप। ठीक है, फोर्स जो है वो पुश और पुल को हम कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो हम उसे पुश करेंगे या फिर हम उसे पुल करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, और इस पुल या पुश की वजह से उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो या तो फास्टर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है उसको अगर आप ग्राउंड पे रखोगे और उसको पुश करोगे तो उसकी मूवमेंट एकदम से तेज़ हो जाएगी, और अगर आप आगे से उसको दोबारा से रोकने की कोशिश करोगे, यानी कि आप उसको पुल कर रहे हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लोअर हो जाएगी और एट दी एंड वो स्टॉप हो जाएगा, या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो ऑपोजिट साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कोई कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनका साइज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, और कुछ की शेप चेंज हो जाती है हम फोर्स से जब भी किसी चीज़ को पुश करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देख लें तो कोई प्लास्टिक की चीज़ है, ठीक है, तो उसको जब हम पुश करेंगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, और अगर हम उसको पुल करेंगे तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, विदाउट फोर्स नथिंग वुड एवर मूव। तो फोर्स के बगैर कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। ठीक है, जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, या तो हम उसे पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मूवमेंट के लिए या मोशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करवाना ज़रूरी है। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को चेंज नहीं करता जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना की जाए। देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में कोई, अगर आप एग्जांपल ले लो, कोई कार है वो मूव कर रही है, अगर हमने उसको स्टॉप करवाना है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करते हैं मीन हमने उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो गया है।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो स्टॉप नहीं करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट जब स्टॉप है, वो रुका हुआ है, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी एक बार दोबारा से देखें। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई नहीं करवाएंगे, यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, एंड इफ़ इट इज़ इन मोशन इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मैस हैव मोर इनर्शिया। ऑब्जेक्ट जिनका मास ज़्यादा होता है, अभी हमने पीछे देखा कि डायनामिक्स में हम जो भी मोशन को स्टडी करते हैं उसमें हम मास एंड फोर्स दोनों को स्टडी करते हैं। तो अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, मींस के उसको हमें स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करवानी पड़ेगी। इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कार मूव कर रही है और एक ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हमने उनको स्टॉप करवाना है तो ट्रक को, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसे ज़्यादा फोर्स के साथ हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको स्टॉप करवाने के लिए, और कार क्योंकि उसका मास कम है तो उसको ट्रक से कम फोर्स लगानी पड़ेगी स्टॉप करने के लिए या फिर उसकी मूवमेंट को चेंज करने के लिए। इनर्शिया, अभी हमने इस टॉपिक में इनर्शिया को तो देखा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज़ इनर्शिया? द रेजिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो रेजिस्टेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है कि जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकता है, उसको इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। द टेंडेंसी प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉल्स हैं वो एक ट्रॉली के ऊपर पड़ी हुई हैं और उसको अगर हम इंक्लाइन प्लेन से फ्री छोड़ते हैं तो वो मूव करती हुई नीचे आएंगी, ठीक है, और अगर नीचे वो जो उनकी ट्रॉली है उसको अगर हम स्टॉप करवा दें तो जो बॉल्स हैं, क्योंकि वो इनर्शिया में है, ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रही हैं तो वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगी और वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगी। ठीक है, जो ट्रॉली में बॉल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि ट्रॉली तो रुक गई है लेकिन बॉल्स भी साथ मूव कर रही थी तो उनके अंदर वो मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी अभी है। ठीक है, इसको हम इनर्शिया कहते हैं कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगी और आगे की तरफ मूव कर जाएंगी जबकि ट्रॉली स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो, अगर हम एक कॉइन लें और उसको एक ग्लास के ऊपर रख दें पेपर के ऊपर, ठीक है, और अगर हम उस हार्ड चार्ट के ऊपर, ठीक है, हार्ड चार्ट को अगर हम लोग थ्रो कर दें तो हमारा जो कॉइन है वो अपनी उस पोजीशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा बजाय इसके कि वो उस हार्ड चार्ट के साथ ही आगे मूव कर जाए, वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं और उनको याद करना है। थैंक यू।